हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के ऊपर। फीस कितनी होगी सर, कैसे अप्लाई करना है और सब कुछ होने के बाद हमें सैलरी कैसे कितनी मिलेगी। जैसा आप देख सकते हो, मैंने होटल मैनेजमेंट के कपड़े पहने हुए, जब भी मैंने होटल मैनेजमेंट किया था तभी ये एक्चुअली कपड़े मुझे मिले थे और मैंने अब तक इसको संभाल के रखा रहा हूँ। 5 साल से ये कपड़े मैंने संभाल के रखे हो, 5 साल से भी ज़्यादा हो गए रहेंगे, 6 से 7 साल। अभी तो काफ़ी एकदम फिट हो रहा है और गर्मी भी इसके अंदर बहुत हो रही है। तो चलो वो सब छोड़ते हैं। होटल मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HM, जो आपको 3 साल का रहेगा। 3 साल अगर होटल मैनेजमेंट करो उसका खत्म नहीं, उसका और 2 साल मास्टर होता है। 3 साल BCOM जैसा आपने पढ़ा रहेगा, BCOM 3 साल का होता है, BCOM के बाद MCOM 2 साल का होता है। तो बस वैसे ही होटल मैनेजमेंट करोगे तो 3 साल आपका नॉर्मल रहेगा 12th के बाद और 2 साल आपको मास्टर के लिए लगेगा। सबसे पहले अगर आपको होटल मैनेजमेंट करने के बारे में आपने सोचा है तो सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी, जो आती है NCHMTC और यहाँ पर GEET। तो यहाँ पर उसको बोला फुल फॉर्म उसका है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्लियर है? ये एग्ज़ाम जो रहेगी वो आपको 200 मार्क्स की रहेगी। अगर इस एग्ज़ाम में आपको जितना ज़्यादा हो गया, 200 में से सपोज एग्ज़ाम्पल 180-190 आपको आया तो आपको बहुत ही अच्छी कॉलेज मिलेगी, जैसे दादर में IHM करके है और बहुत सारी ऐसी कॉलेज है सेंट जेवियर्स करके, जो आपको होटल मैनेजमेंट के लिए आपको मिलेगी। और उसकी फ़ीस भी क्या रहती, कम रहती। मतलब ज़्यादा मार्क्स लाओ, फीस कम मिलो और कॉलेज अच्छी मिलो। अगर कम मार्क्स लाओगे, अगर ये 200 में से आपने 50 लाए या तो 100 लाया, तो कॉलेज भी घटिया मिलेगी और फीस भी ज़्यादा रहेगी। तो उससे अच्छा मेरी मानो मेहनत करके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना। अभी काफ़ी सारे को तो पता ही नहीं होगा होटल मैनेजमेंट में ये 7 कैटेगरी होती है, जैसे BA, BBI, BMS। तो यहाँ पर भी बस वही है, स्टार्टिंग के 3 ही इंपॉर्टेंट है और 3 में से फर्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, जो बोला जाता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BHM। मोस्ट ऑफली 90% बच्चे यही करते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसके बाद जो बचे हुए बच्चे रहते हैं ऑलमोस्ट यही करते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर खाने बनाने के ऊपर और कुछ रिसर्च वगैरह भी किया जाता है और यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BHMCT। उसके बाद आता है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बस ये 3 में से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, यहाँ पर खाली आपको खाना बनाने पे कॉन्सेंट्रेशन किया जाएगा। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, आप आओ तो वेलकम कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको अगर होटल मैनेजमेंट का वो बताया जाएगा, आपका ड्रेस कोड कैसे रहना चाहिए, खाने का सजावट कैसे रहना चाहिए। अभी काफ़ी सारे बच्चों को बता दूँ, होटल मैनेजमेंट किया इसका ये मतलब नहीं कि आपको 5-स्टार होटल में मिल जाएगा एंट्री, जी नहीं। उसके लिए आपको पूरा दिल लगा के जी जान मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई अच्छी से अच्छी होटल में मिला जाएगा। और कोई भी आप होटल सिलेक्ट करो तो यहाँ पर कोई भी आप होटल सॉरी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप होटल मैनेजमेंट करना चाहो, आपको पहले पूछना वहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ पर देंगे। ट्रेनिंग अगर 5-स्टार होटल में देते रहेंगे तो ही वहाँ से होटल मैनेजमेंट करना, अदरवाइज करना नहीं। वरना आपको बोलेगे हम आपको ताज होटल से आपको कराएंगे, फिर पता चला वो चर्च गेट वाली ताज मान नहीं, कोई अंधेरी वाली ताज होटल से आपको करा रहे, वैसा नहीं। प्रॉपर आप उसका मतलब जो आपको रहेगा क्या बोलते हैं उसको पूरा उसका जो ब्रोशर वगैरह रहेगा वहाँ पर आप पूरा आप रीड करना, देखना क्या क्या फैसिलिटी देते इस मतलब इस इंस्टीट्यूशन से कौन से शेफ बन के निकले हैं। वरना पता चला कि उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आपने किया कोई शेफ ही बन के निकला नहीं है नामचीन, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पहले आप प्रॉपर उसका रिसर्च वगैरह करना, जहाँ से भी करो वहाँ से। और मेरी एक मानो दादर में एक IHM करके है, दादर में एक IHM करके इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट, क्लियर है? वहाँ से आप करना तो आप बहुत अच्छा रहेगा। और आगे आते हैं BA इन होटल मैनेजमेंट, BBA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, BBA इन होटल मैनेजमेंट, यहाँ पर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट रहता है। ये टोटल 7 कैटेगरी है, 7 में से पहला वाला इंपॉर्टेंट है, अगर और 2 अच्छा लगे तो उसके बाद वाला कर सकते हो। अभी तुम सोचे रहोगे सर तुमने होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि बता दो एक्चुअली उसमें नॉन वेजिटेरियन भी रहता है। अभी काफ़ी सारे बच्चे जो ऐसा सोचेंगे सर हम तो वेज है तो भी हम कर सकते हैं, जी नहीं, तो बिल्कुल करना ही मत। क्योंकि होटल मैनेज करोगे तो नॉनवेज कंपलसरी आएगा, वहाँ पर टेस्ट करना सब कुछ आपको रहेगा, क्लियर है? और जब भी मैं होटल मैनेज करता था ना, ये आपको एक पॉकेट दिख रहा है, वहाँ पर स्पून वगैरह रखी जाती है। एग्जांपल हमने कुछ बनाया तो मेरे जो शेफ रहे गए, जो हमको सिखाए गए टीचर वो आते थे, यहाँ से स्पून निकालेगा टेस्ट करेंगे, बोलेगे ये लो स्पून देते नहीं, बोला जाओ धो के आओ इसको, तो वैसा रहता। अगर ये ड्रेस भी काफ़ी आपको अच्छा लगता रहेगा और इसके ऊपर एक टोपी भी रहती है बहुत लंबी, हो तो एक्चुअली ख़राब हो गई तो मैंने फेंक ही दिया था।
तो यहाँ पर अगर उसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो रहेगी, अगर आपको अच्छे मार्क्स आए तो फ़ीस रहेगी 15,000 रहेगी। अगर आपने बहुत, अगर कहीं 15,000 से आपको 3,00,000 के बीच में ये पैकेज आपको पड़ेगा, पूरा 3 साल का आपको जो पैसा रहेगा फ़ीस, 3 साल का फ़ीस रहेगा 15,000 से आपका 3,00,000 के बीच में रहेगा। अगर सब कुछ हो गया तो सर सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी आपको रहेगी 5,00,000 से 15,00,000 के बीच में। क्लियर है, ये लाखों की बात करो, 5,00,000 से 15,00,000 के बीच में। अभी कभी मिलेगी जब आपने अच्छे से किया रहेगा, दिल लगा के, अदरवाइज़ किया नहीं रहेगा तो यहाँ पर आजू बाजू की कोई भी होटल रहेगी वहाँ पर 10-15 हज़ार में काम करना पड़ेगा, ज़्यादा 3-4 लाख, मतलब 30 से 40 हज़ार में काम करना पड़ेगा। अगर अच्छा आपने मेहनत किया तो हो सके आप दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, इंटरनेशनल में आप चले जाओ, मतलब अदर कंट्री में चले जाओ जहाँ पर होटल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और स्पेशली इंडिया में अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया तो आप इंडिया वाले को स्पाइसिस का ज़्यादा नॉलेज रहता है, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू काफ़ी और बढ़ जाती है। तो वही करो। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड है जो साउथ अफ्रीका में, दुबई में है, या तो पोर्चुगल में है, जो शिप में भी काफ़ी सारे काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी बहुत रहती है, मतलब ये जो बता रहा हूँ उससे भी कहीं गुना ज़्यादा उनकी सैलरी है, और बहुत अच्छा कमाते हैं, पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको जो भी क्वेरी रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं तो आपको स्पेशली अभी बता रहा हूँ होटल मैनेजमेंट सिंपल ही रहता है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि गर्ल्स ही कर सकते बॉयज़ नहीं कर सकते, जी बॉयज़ भी कर सकते गर्ल्स भी कर सकती है। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मतलब गर्ल्स ही प्लेन जो रहेगा वो पायलट, मतलब पायलट का मतलब मेल ही चला सकता है, ऐसा नहीं होता है, फीमेल भी चलाती है आज के ज़माने में। तो बस ऐसे ही होटल मैनेजमेंट आजकल तो मैं देखा है गर्ल्स ही कुछ करते हैं, गर्ल्स ही आगे उसमें बढ़ रही है, बॉयज़ तो बस खाली ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर, सबको ट्राई करो। और जी मैंने बताया दादर IHM से करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये पसीने मेरे को इतने आ रहे हैं क्योंकि इतने अंदर गर्मी भी इतनी सारी हो रही है, और मैं थोड़ा इसको मैं सोच रहा एक दो पिक क्लिक करके भी आपको अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।